गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू SST चैप्टर 4 प्लेटिव्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी वर्ड मीनिंग। प्लेटिव, पटेबल लैंड, पठार। पेनिनसुला, ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। फीचर, पार्ट ऑफ द फेस, अपियरेंस, आकृति। रेज्ड, प्रोमोटेड। स्टीप, प्रीसिपिटस, ढलाऊ। एक्सटेंड, टू स्प्रेड आउट। टिप, एंड। टाइपर्स, टू बिकम थिनर एट वन एंड। ड्रेन, काज द वाटर टू रन आउट। कोर्सेस, रूट, रास्ता। कंप्राइज, टू इंक्लूड, शामिल करना। बाउंडेड, लिमिट, टू लिमिट। स्ट्रेच्स, एक्सटेंड। कंपैरेटिवली, एस्टिमेटेड बाय कंपैरिजन। वैली, अ लो ट्रैक ऑफ ग्राउंड, घाटी इसको बोलेंगे। यूनिक, स्पेशल, विशेष। वेरिएशन, डिफरेंस। वोल्केनिक, रिलेटेड टू वोल्केनो, ज्वालामुखी से संबंधित। ट्रेडिशनल, परटेनिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा से संबंधित। फॉन्ड, लविंग, आसक्त। फोक, पीपल इन जनरल, जनसमूह। लोर, लर्निंग। वीविंग, द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग क्लोथ इन लूम। टेक्सटाइल, ऑफ वीविंग। ट्राइब्स, क्लास ऑफ पीपल, लोगों का समुदाय। इंडिजिनियस, नेटिव, ओरिजिनल। माइंस, पेट, एक्सकावेशन। प्रोमाइजिंग, ब्राइट, गुड। एसेंशियल, नेसेसरी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 प्लेटिव्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पठार, भारत के पठार। अ रेज्ड एरिया विद स्टीप स्लोप, एक ऐसी एरिया जो कि रेज्ड हो, ऊपर उठी हुई हो, और उसका जो ढलान जो है खड़ी होती है, एंड फ्लैट टॉप, और उसका जो टॉप होता है ऊपर, ये सब फ्लैट होता है, चपटा होता है, इज कॉल्ड प्लेटिव, उसको प्लेटिव बोलते हैं, पठार बोलते हैं। इट इज मोस्टली राकी, या मोस्टली अधिकतर राकी होता है, चट्टानी युक्त होता है, राकी एरिया होती है। एंड इज आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, और इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेटिव, द पेनिनसुलर प्लेटिव कवर्स मोस्ट ऑफ द सेंट्रल, कवर्स मीन्स घिरता है, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, मध्य भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर पार्ट को कवर करता है। द प्लेटिव रीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम, प्लेटिव रीजन का जो विस्तार है एक्सटेंड फ्रॉम साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन उत्तर का जो मैदान है उसके दक्षिणी छोर से लेकर के टू द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, इंडिया का जो दक्षिण का बिंदु है, टिप है, सिरा है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, और ये शेप में जो है ट्राइंगुलर है, तिकुना है। इट इज ब्रॉडर इन नॉर्थ, नॉर्थ में जो है ये ब्रॉडर, मतलब इसकी चौड़ाई नॉर्थ में ज़्यादा है। एंड ग्रेजुअली, क्रमशः वन बाई वन
स्लोली स्लोली ग्रेजुअली टैपर डाउन टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ ये पतला होता जाता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड। ये जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये चारों तरफ से हिल्स से, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स से, एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, पूरब में ईस्टर्न घाट, एंड द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट। द हाइट्स ऑफ दिज घाट, इन घाटों की जो हाइट्स है, इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो बढ़ती जाती है उसकी ऊंचाई। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय मैनी फास्ट फ्लोइंग सीजनल रिवर। इट मीन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एरिया है उसमें बहुत सी सीजनल नदियाँ फ्लो करती हैं, बहती हैं। विद सेवरल वाटरफॉल्स अलॉन्ग देयर कोर्स, मतलब उस नदी के रास्ते में बहुत से वाटरफॉल्स भी पड़ते हैं। जोग फॉल्स ऑन द श्रावस्ती रिवर इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो कि है, इज वन ऑफ द हाईएस्ट, एक हाईएस्ट वाटरफॉल्स है इन इंडिया। द कुचिकल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एंड द सेकेंड हाईएस्ट इन एशिया, और एशिया का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल्स है कुचिकल। द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेट्यू इनटू टू पार्ट, प्लेट्यू को टू पार्ट में डिवाइड करती है। द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू, उसको साउदर्न पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ये जो देख रहे हैं पार्ट, तिकुना पहाड़ जो दिख रहे हैं आप, यहाँ ये पूरा ये तिकुना पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला है। आईसी के अंदर जो देख रहे हैं पीले पीले कलर का, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इधर ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, इधर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, इधर नीलगिरी हिल्स अरावली की पहाड़ियाँ हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स कंप्राइज टू प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड में दो प्लेट्यू शामिल हैं, कंप्राइज हैं। द मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट, पश्चिम में मालवा प्लेट्यू, एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट, और पूरब में छोटा नागपुर प्लेट्यू। द रिवर चंबल, चंबल नदी, बेतवा एंड सोन ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं। दे फ्लो नॉर्थवार्ड, वो नॉर्थवार्ड उत्तर की तरफ बहती हैं टू ज्वाइन द गंगा, गंगा में मिलने के लिए, एंड द यमुना। द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विंध्याज एंड फ्लो वेस्टवार्ड इनटू द अरबियन सी, ये नदी जो है अरबियन सी में जाकर के मिलती है। मालवा प्लेट्यू, द मालवा प्लेट्यू इज सराउंडेड, मालवा प्लेट्यू घिरा हुआ है बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम में मालवा प्लेट्यू अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एंड द विंध्याज इन द साउथ, और साउथ में दक्षिण में विंध्य
की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द सॉयल इन द इन दिस रीजन, इस रीजन की, इस क्षेत्र की जो सॉयल है, मिट्टी है, इज ब्लैक, काली है, एंड इज वेरी फर्टाइल, और बहुत ही फर्टाइल है, प्रोडक्टिव, उपजाऊ है। द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस प्लेट्यू, मतलब इस प्लेट्यू में उगाई जाने वाली मुख्य फसल आर कौन कौन है, काटन, वेट एंड ऑयल सीड्स, तेलानी फसलें। समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, जो समर सीजन होता है, गर्मी का मौसम होता है, बहुत ही गर्म होता है, वेरी हॉट होता है। वेयर एज विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, जो विंटर्स सूखा सीजन होता है, जाड़े का मौसम होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। उज्जैन इज द मेजर सिटी ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का मुख्य शहर उज्जैन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इन ईस्टर्न, इज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ये जो है इंडिया के ईस्टर्न पूर्वी क्षेत्र में होता है, ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, एंड कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड, झारखंड के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, घेरता है, एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है मिनरल्स का भंडार है, खनिज का भंडार है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल है। दिस रीजन इज रिच इन मिनरल, मतलब इस रीजन में, इस क्षेत्र में कौन कौन मिनरल, कौन कौन धातु अधिक मिलती है, जैसे सच एज कोल, आयरन ओर, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका। सम ऑफ द कोल माइनिंग सेंटर, कुछ कोल माइनिंग सेंटर मतलब कोयले की खाने कौन कौन है, आर झरिया, बोकारो एंड रानीगंज। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं। इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है, घेरता है। द हाइट ऑफ दिस प्लेट्यू रेंज, इस प्लेट्यू रेंज की हाइट्स जो है 100 मीटर इन द नॉर्थ, नॉर्थ में 100 मीटर से लेकर के 2000 मीटर इन द साउथ, ये लिखा है साउथ, एस ओ यू टी एच। इट स्ट्रेचस, इसका जो फैलाव है, फ्राम द सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ, नॉर्थ में सतपुरा रेंज से लेकर के टू द, ये साउदर्न लिखा है, जो लिखा है आपका ये साउदर्न है, स्पेलिंग एस ओ यू टी एच, ये साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, इंडिया के साउदर्न टिप तक ये फैला हुआ है। इट इज बाउंडेड बाई द वेस्टर्न घाट, ये जो है वेस्टर्न घाट से बाउंडेड है, घिरा हुआ है। एंड द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से, ये आपका लिखा है विच, ये जो आपका डिम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे, तो विच है, WHICH विच, WHICH विच। मीट, ये जो लिखा है MEET मीट, यहाँ पर लिख दिया मीट लिखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मीट एट नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स पे मिलती है। द वेस्टर्न घाट इंक्लूड, वेस्टर्न घाट में क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूड द, ये सह्याद्री, यहाँ पर जो कटा हुआ दिख रहा है, हल्का दिखाई दे रहा है, तो सह्याद्री, SAHYADRI सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डामम हिल्स। मेजर, MAJOR मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया की जो पेनिनसुलर इंडिया की जो मेजर रिवर्स है, मुख्य नदी है, मेजर मीन्स मुख्य होता है, सच एज महानदी, ये गोदावरी लिखा है, ये जो है गोदावरी, इसको मैं यहाँ लिखा हूँ गोदावरी, कृष्णा,
एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, ये नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, एंड फ्लो, ये लिखा है FLOW, ये फ्लो है, फ्लो टुवार्ड्स द ईस्ट, और ये पूरब की तरफ बहती हैं। द ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है, आर कंपैरेटिवली, तुलना करने पे तो तुलनात्मक रूप में लोअर है, नीचा है, मतलब उसकी ऊंचाई कम है, एंड आर कट बाय द रिवर, और काट दिया जाता है बाय द रिवर कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न हिल्स, मतलब वेस्टर्न हिल्स से आने वाली नदियों के द्वारा वो काट दिया जाता है। दिज रिवर्स कट वैली, ये जो नदियाँ हैं घाटी काटती हैं, मतलब घाटी का निर्माण करती हैं, थ्रू ईस्टर्न घाट, ये THROUGH, थ्रू ईस्टर्न घाट टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरने के लिए वो घाटी काटती हैं, मतलब पहाड़ को काट करके वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द गोदावरी, इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, गोदावरी जो है डेक्कन प्लेट्यू की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है।